सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो द खालस टीवी। कहा जाता भी इमानदारी है जी हट्टियां तो नहीं मिलती, पर अजिहा ही सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल चैलांवाली दे एक अध्यापक वालों उपराला किया गया। स्कूल दे विच इमानदारी की हट्टी खोली गई हैगी। स्कूल दे विच जिस तरह के बच्चे नूं लोड़ां ने वो अपने जिहड़ियां लोड़ां वो खरीद सकदा गा, लै सकदा गा, बगैर किसी भेदभाव तो, बगैर किसी डर तो बच्चे जिस चीज की जरूरत आ वो बच्चा वो खरीद सकदा गा। जिस तरह के उस कोल जिहड़ी आर्थिक सहायता गी वो कर सकदा, जे नहीं है तो ना भी वो करे, वो बच्चे दे खुद ते डिपेंड करदा गा बच्चे ने। क्योंकि एक बच्चे एक कोरा कागज़ हुंदा गा, कोरा कागज़ ते की लिखना वो एक अध्यापक नूं पता हुंदा गा। बच्चे दे विच इमानदारी दे गुण होने बहुत ही जरूरी ने, बच्चों के लिए गुणवान अध्यापकों की बहुत वड्डी जिहड़ी सोच आ। बच्चे ने बेटा की नाम आ? मनीषा राणी जी। मनीषा राणी, स्कूल दे विच इमानदारी हट्टी खुली है, किस तरह का लग रहा? जी सानू बहुत वधिया लग रहा है भी सारे जवाकों के ईमानदारी पैदा हुंदा गा, गुण पैदा हुंदा गा। तो प्रिंसीपल सर ने खोल के बहुत वधिया किया, जिस नाल साड़ियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने। कई बार जिहड़े अपने कोल पैसा भी नहीं हुंदा, घर के हालात भी कई वारी इहो जिहे हुंदे, पैसा नहीं हुंदा गा, फिर किस तरह कर दोगे? फिर सर ने कहा सी कि जदों ना होवे तां कल आ के पा सकदे आ, जे कोई इहो जिहा है जिस जो नहीं पा सकता वह किसी टीचर तो या प्रिंसीपल सर तो लैके पा सकता है। हुण तुसीं पूरी जिंदगी जिहड़ी इमानदारी दे नाल बसर करन दा सोच लिया एक? हाँ जी। क्योंकि एक लोड़ हुंदी है ना, बच्चा कोरा कागज नूं कुछ मर्जी लिख लवे। हाँ जी। अपने अध्यापकां दा सिर सिरा जिहड़ा तुसीं देना चाहुंदे इसदा? हाँ जी। फिर यह ईमानदारी सारे बच्चों विच फैल जाती है। बिल्कुल जी, बच्चों के बहुत वड्डी जिहड़ी ईमानदारी गुणवान होना भी बहुत जरूरी है। अध्यापक ने सर दाखल शरीफ से तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद सर, शुक्रिया जी। सर ये तुहाडे दिमाग दे विच उपराला किस तरह आया भी तुहानू सानू इस तरह जिहड़ा कर लेना चाहिए? जी सर, मेरा काफ़ी समय तो सीगा विचार भी इस तरह आपां करना चाहिए ता कि बच्चों के जिहड़ा ईमानदारी का गुण पैदा होवे। असीं अज समाज दे विच देखदे आं भ्रिष्टाचार बहुत फैलिया होया, ये सब तो वड्डी जिहड़ी ईमानदारी है बेईमानी साडे मनां दे विच पैदा हुंदी है। तो मेरा विचार सीगा भी शुरू तो ही बच्चों ये गुण पैदा किया जाए। तो इहदा जिहड़ा मुख मकसद सीगा भी एक तो यह सीगा भी बच्चों दीआं जिहड़ियां जरूरत हैगियां लोड़ वालियां छोटियां छोटियां जरूरत स्कूल विच ही पूरियां हो जाण। तो दूसरा सीगा भी बच्चों के सब तो वड्डी गल सी ईमानदारी का गुण पैदा होवे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਠਲਾਤ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਚਲੋ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੈ
बच्चों को ईमानदारी सिखाने के लिए किए। तो इस भा इस साडा जिहड़ा भाव है वह दुकान कोई दुकान खोलना नहीं है, बल्कि दुकान दे यत्नां दे राही बच्चों नूं एक वो ईमानदारी सिखाउणा है। तो ईमानदारी सिखाउण दे नाल नाल एक होर उन्हां दी आर्थिक सहायता करना भी जिहड़ा है साडा वो मकसद है, क्योंकि अक्सर ही बच्चों स्कूलों के पढ़ाई के लिए अध्यापक साहबाना वालों काम दिता जाता है, परंतु कुछ बच्चे है जिहड़े वो ज़्यादातर उन्हां दा कारण हुंदा है वी सर असीं मेरे पिता जी जां मेरे माता जी साडी जिहड़ी है वह आर्थिक जिहड़ी मदद नहीं कर सकते, असीं कापी नहीं खरीद सके तां कम नहीं पूरा होया। तो असीं यह चाहते हाँ भी कोई भी विद्यार्थी है जिहड़ा वो अजिहा ना रहे जिहड़ा यह सोचता होवे कि मैनू मेरे घरों आर्थिक सहायता नहीं मिली मैं पढ़ नहीं सकिया। तो स्कूल दे विच विद्यार्थी नूं वो असीं हर सहूलत देना चाहते हाँ जिस दे नाल साडे जिहड़े सरकारी स्कूलों के बच्चे है वो ईमानदारी भी सीखण अते इक चंगे इंसान बनन अते वड़ी अपनी पढ़ाई है जिहड़ी वो सुचारू ढंग नाल चालू रखन। बच्चों की गल करिए बच्चों वालों किस तरह का जो रुझान देखने मिल रहा है? सर बच्चों के वालों बहुत ही वधिया रुझान मिले, बच्चों के विच एक प्रेरणा एक खुशी पैदा हुई है उन्होंने बच्चों के लिए भी जो जिन्हों ज़्यादातर समस्या की आती सी बाहरों जाके समान खरीदना पैंदा सी वो बच्चे ये कहते हैं कि सानू हुण एक इत्थे जिहड़ा यतन इन्हां यतना सदका सानू दूर नहीं जाना पैंदा, क्योंकि छोटा पिंड होने के कारण ज़्यादातर मंडियां दे विच समान खरीदन जाना पैंदा है। तो जिहड़ियां बच्चे दीआं रोज़ाना जरूरतां इत्थों पूरियां हो जांदियां ने, जिहड़े बच्चे आर्थिक तौर पर घरों चंगे ने वो ईमानदारी दे नाल इत्थों समान लै लैंदे ने, तो उन्हां पैसों का ही वापस उही समान है जिहड़ा वो स्कूल के स्टाफ के प्रिंसीपल के सहयोग नाल दोबारा रख दिता जाता है। और जिहड़े बच्चे ये सोचते हैं कि सानू कोई सहायता नहीं मिल सकती असी नहीं खरीद सकते, असी उन्हां नूं भी यही गल कही है कि बेटा इत्थे पैसे का कोई मकसद नहीं है जां कमाई का साधन नहीं है, ये तुहाडियां निजी जरूरतों नूं पूरा करन दे लई यतन किए गए हैं। इस करके जे नहीं भी तुहाडे कोले कोई कमा मतलब दो पैसे नहीं तो तुसी बिना पैसे तो भी अपना समान है जिहड़ा दी वरतों करके वधिया पढ़ाई हासिल कर सकते। अध्यापकों वालों तुहाडे पिंड दे स्कूल दे विच इक वक्खरा उपराला किया गया ईमानदारी हट्टी दा, की कहोगे? बहुत वधिया उपराला जी, प्रिंसीपल सर का बहुत योगदान है जी, ये उपराला बहुत छोटा है पर जिंदगी दे विच अपन विचरन खातर बहुत वड्डा है, क्यों जदों भी आपां स्कूल दे विच बच्चा इत्थों पढ़ के जाऊगा वो होर ना कुछ तो वधिया इंसान ईमानदारी वो लेके जाऊगा, कुछ गणे गाह जिंदगी कुछ ना बने पर जिंदगी दे विच सारी जिंदगी बंदे दी ईमानदारी बंदे नूं मगरों भी याद करते हैं बंदे नूं गए तो बाद भी, एक इहो जिही चीज़ है जिहड़ी इह अपना सर ने चंगेड़ी लाई है थोड़ी बहुत वधिया आपां गल्लां तां अक्सर ही करदे रहिंदे सी पर इन्हां ने प्रैक्टिकल करके भी जवाकां दे विच इस तरह गल्लां करना घट असर पैंदा सी, जदों प्रैक्टिकल जिंदगी दे विच हो रहा हो इहनूं चला रहे हट नूं उहदा करके उहनां दे मन ते होर भी प्रैक्टिकल हुंदे करके भी हाँ इह चीज़ हैगी वाकई किते नहीं, आपां बाहरले कंट्रियां सुणदे आं वी उत्थे हट लाई पई है रेट लाए पे है तो गले धरे पे पा जाते हैं वो अज इतने सर ने ये उपराला करके इतने सिंचाई बच्चों के सामने पेश की है जी। आमतौर से क्या है सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो सिर्फ नौकरी के लिए आते हैं सिर्फ जस्ट टाइम पास करने के लिए आते हैं? नहीं जी, साड़ी तो खुदकिस्मती मान लो साडे पिंड की बहुत वधिया स्टाफ है जी, साडे तो जदों के मतलब कि सारा आए प्रिंसीपल साहब आए है वो तो बहुत दिन रात दुगनी तरक्की कर रहे स्कूल, सारी स्टाफ बहुत लगन पढ़ रहे, रिजल्ट भी देखो जी 100% आए सारे, कोई बच्चों के इतों जाद्या भी पूरे वधिया बच्चे विचर रहे हैं, कोई जिवें प्लस टू तक का स्कूल है बच्चे शरारत कदें भी किसी बच्चे की कोई शरारत नहीं आई सामने, बहुत वधिया मतलब कि चल रहा जी सारा स्कूल, तो बहुत बड़ा संयोग है जी, असं तो धन्यवाद दें सारे स्टाफ के जिहड़े ने इन्ना मतलब कि मेहनत कर रहे जी, रिजल्ट 100% है जी वधिया जी। धन्यवाद जी। इस सन पिंड के वासी स्कूल के अध्यापक जिन्हों वालों स्कूल वक्रे तौर पर एक ईमानदारी की हट्टी जी खोली गई है तो बच्चों ईमानदारी बनता जो स्नेहा दे रहे हैं, दूसरे पास अध्यापकों का कहना भी एक महज साडा एक जिहड़ा एक फर्ज है एक बच्चों नूं सिक्ख्या देना तो असीं उस बच्चों जो सिक्ख्या दे रहे हैं ईमानदारी की, दूसरे पासे पिंड वासियों का कहना गा भी अध्यापकों वालों जो बहुत बड़ा उपराला किया जा रहा बच्चों के लिए स्कूल के ही ईमानदारी की हट्टियां खोल के खोलण दा। दा खालस टीवी लई जीवन सिंह क्रांति चैनल वाली मानसा।